जो कि बहुत पसंद है और बहुत टेस्टी भी बनता है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो। टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून कच्चे पपीते का पेस्ट, आधा नींबू का रस। अब इसमें डालेंगे हम सॉल्ट 1.5 टी स्पून, 1/4 टी स्पून जर्दे का रंग, और ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेशन होने के लिए। अब इसे छोड़ देना है फॉर हाफ एन आवर मैरिनेशन के लिए। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है चलिए बनाते हैं एक मसाला। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3/4 कप यानी कि एक कप में से एक चौथाई कम एक कप में से एक चौथाई कप कम दही, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, इसे पहले भून लेगा फिर पीस लेगा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। नमक हमने पहले डाल दिया था, नमक डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 टी स्पून काला नमक, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स करके इसे छोड़ देंगे। इसके अलावा हमें 3 मीडियम साइज के टमाटर चाहिए जिसे हमने बॉईल कर रखा है, 3 मीडियम साइज के टमाटर जिसे बॉईल कर लिया है, इसे छिलको उतार के इसे पीस लेंगे। अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरफ से हमने हाई फ्लेम पे किया है, फिर इसी तरफ से भी हाई फ्लेम पे करके और इसका जितना भी पानी है वो सब कुक कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, अब हमें इसमें क्या करना है, थोड़ा सा रोस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे लिए मिनी साइज के, मेरे पास इस समय ये रख रही हूँ चिकन पीसेस, और इसे मैं 10 मिनट के लिए 180 डिग्री इसे मैं छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर, ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाए। जब तक हमने हमारा जो चिकन है वो रोस्ट हो रहा है, हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे ऑयल 2 से 3 चम्मच। पहले तो हम ये बार ऑयल डाल देंगे जिसमें हमने फ्राई किया है, ये तकरीबन 1 चम्मच है, 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून और डाल देंगे। अब अलग से हम 2 चम्मच डाल रहे हैं, 2 से 3 डालिएगा या फिर 1/4 डाल सकते हैं। सबसे पहले जो हमने दही का मसाला बनाया था ये देखिए, ये जो हमने बना कर रखा था ये डालेंगे। क्रीम रख
रखिएगा मीडियम टू हाई ताकि जल्दी से काम हो जाए, अच्छे से भून जाए। टमाटर का पेस्ट बना लिया था, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर या लार्ज के साइज़ के मिले तो वो भी ले सकते हैं। उन्हें पहले बॉईल करेगा, फिर उसका छिलका उतार के उन्हें बारीक पीस लेगा, ग्राइंड कर लीजिएगा। ये देखिए, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, उबले हुए और पीसे हुए टमाटर हैं ये। तो पहले हम इसको थोड़ा सा बॉईल आने देंगे, थोड़ा सा इसको चला लेंगे, थोड़ा मसाला भून लेंगे दही के साथ वाला, फिर इसमें टमाटर डाल देंगे। बॉईल आ गया है, अब इसी टाइम हम डी टमाटर भी डाल रहे हैं और दोनों को अच्छे से भुनेंगे। एक मसाला तैयार करेंगे ठीक सा, हाई फ्लेम कर लेगा, हाई फ्लेम पर इसको चलाते हुए हमें भुनाई करनी है। इसकी फ्लेम कर देंगे हम मीडियम, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसके मसाले को अच्छे से भुनेंगे और बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। अब फ्लेम हमें लो कर देना है और लो फ्लेम पर इसे हल्के हल्के हाथों से चलाते हुए और इसकी भुनाई करनी है। और भुनाई तब तक करनी जब एक इसमें अच्छे से खुशबू नहीं आने लगे भुनने वाली, तब तक हमें भुनाई करनी है। और जितना अच्छे से आप भुनेंगे उतना ही मज़ेदार सी कढ़ाई बनेगी। मसाला अच्छे से भुन चुका है फ्रेंड्स, देखिए। अब इसमें हमें डालने हैं अपने रोस्टेड चिकन, जो हमने अभी रोस्ट करने रख रखा है ओटीजी में, आप माइक्रोवेव में बेशक रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बुलबुले भी उठ चुके हैं, फ्लेम मैंने लो कर दी है। अब मैं निकालने जा रही हूँ चिकन। ये देखिए फ्रेंड्स कितने खूबसूरत से ये रोस्ट हुए हैं। अब ये पीसेस हम इसमें डाल देंगे। मशीन ना हो इस तरह की, पेपर्स ना हो, तो आप तवे पर इसे हल्का सा रोस्ट कर लेगा मीडियम लो टू मीडियम फ्लेम पर, और वो भी डाल सकते हैं तवे पर भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। और जितने भी जूस होते हैं ये भी इसके साथ डाल देंगे। इसमें फ्लेवर है चिकन का, मिक्स कर लेंगे। इसे एक बॉईल आने के बाद ढक्कन छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो हमने डाला है वो टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने अभी चेक किया था, दोबारा चेक कर लेती हूँ। चिकन भी अच्छे से गल चुका है और अब हमें क्या करना है, एक कोयला गरम करना है अच्छे से दहकता हुआ, और उसका धुआं डालना है उसकी। अब इसमें डालेंगे फ्रेंड्स 1 टी स्पून कसूरी मेथी,